बैक टू माई चैनल। तो बहुत दिनों बाद कोरोना के इस सिचुएशन में एक फेस्टिवल आने वाला है जो कि है रक्षाबंधन या बहुत दिनों से हम घर में बैठ के जो बोर हो रहे थे उसका पूरा का पूरा कसर हम इस फेस्टिवल में निकालने वाले हैं। हर कोई अच्छे से सजेगा, धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाएगा या राइट। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। इसमें आपको स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, आउटफिट्स, सब कुछ ऑल इन ऑल इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इन केस अगर लड़के सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए भी इस वीडियो में हेयर केयर है, स्किन केयर है, एंड जहां तक मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए आउटफिट आइडियाज भी दे दूंगी। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग इट। एंड ये वाला वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो को प्रोसीड करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम हमारे फेशियल स्किन के साथ क्या कर सकते हैं। तो ब्लीच एक अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे, बट टीनेजर्स क्या है ब्लीच नहीं लगाना चाहते एंड वो अच्छा भी नहीं होता आपकी स्किन के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए DIY होममेड ब्लीच कैसे आप घर में बना सकते हो विदाउट एनी केमिकल, बट उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल ब्लीच जैसा ही देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आपके जो हेयर्स है उनका कलर गोल्डन नहीं हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला है, लेकिन आपको इसका डिफरेंस ज़रूर देखने में मिलेगा। देख लेते हैं उसको कैसे बनाना है। सो इस DIY ब्लीच को बनाने के लिए हमें चाहिए एग वाइट, बेकिंग सोडा, शुगर, हल्दी एंड नींबू पानी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करोगे तो ऐसा एक क्रीमी सा कंसिस्टेंसी बन जाएगा। इसको आपको अपने बेयर फेस पर लगाना है। अच्छे से फेस वॉश करके आप इसको आपके फेस पर लगाइएगा। एग वाइट है तो आपके स्किन को क्लिनजिंग करने का, टाइटनिंग करने का काम करेगा और इसके एक बार के यूज़ में आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आपको इसको लगाकर 5 मिनट के बाद अच्छे से मसाज करना है एंड आधे घंटे के लिए इसे रखकर आपके फेस को धो लीजिएगा। ऐसा वाला ग्लो आपके फेस पर भी आ जाएगा। तो फेशियल स्किन की बात तो हो गई, अब हमें बॉडी की स्किन के साथ भी पैम्परिंग करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक हमारा पूरा स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं होता तब तक वो मज़ा का है ना। आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने 5 अच्छे वाले स्किन पैम्परिंग होममेड मास्क होते हैं, बॉडी मास्क होते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कोई भी आप उसमें से ट्राई कर सकते हो एंड उसका रिजल्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे हेयर केयर। अगर हमारे बाल अच्छे होंगे, सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ होंगे तो हमें ना बहुत अच्छा लगता है। सो ये वाला मास्क जो है, मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। तो ये हेयर ऑयल आप लड़का लड़की कोई भी लगा सकते हो एंड आप दोनों भाई बहन मिलकर साथ लगाना, अच्छा मजा आएगा। सो इस हेयर ऑयल को बनाना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। आपके घर में जो भी ऑयल प्रेजेंट होगा उसमें थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल डालिएगा। टी ट्री इसेंशियल ऑयल, ऑलिव ऑयल होगा तो वो मिक्स कीजिए, या फिर आप बादाम ऑयल मिक्स करके इसको थोड़ा सा गुनगुना करके अच्छे से आपके स्कैल्प में इसको मसाज कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ऑयलिंग योर टिप ऑफ द हेयर, क्योंकि वहाँ पर भी ऑयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालों को धो लेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा नरिश हो गए हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ओके, तो स्किन पैम्परिंग हो गया, हेयर पैम्परिंग हो गया, अब हम मेकअप की ओर चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाइयों को उतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद आता। अगर हम करते हैं तो वो लोग एक तो भूतनी बोलते हैं एंड सेकेंड बात हम चाहते हैं कि भाइयों को हमारा मेकअप या हम दिखने में अच्छे लगे उस दिन ऑफ कोर्स। तो मैंने एक सॉफ्ट सा मेकअप जो मैंने यहाँ पर किया है यही शेयर करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं उसको कैसे। मेकअप करने से पहले स्किन की पैम्परिंग करना अच्छी बात है एंड ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर लिप बाम और सीरम लगा लिया है। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का BB क्रीम लगा रही हूँ। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लाइट वेटेड है एंड क्योंकि हम ये फंक्शन घर में करने वाले तो थोड़ा लाइट वाला मेकअप करना है। तो मैंने इसके 2 लेयर्स लगाए जैसा कि आप देख सकते हो। एक लेयर ऑलरेडी मैंने लगा कर अच्छे से ब्लेंड किया एंड सेकेंड लेयर में जहाँ पर लगा रही हूँ आपको भी वहीं पर लगाना है, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अब इसको ब्लेंड कर लीजिए एंड सी कितना अच्छा दिख रहा है। क्रीज़ को आने से रोकने के लिए आप लूज़ पाउडर की मदद से उसको टैप टैप कर लीजिए। अब आईब्रोज़ की बारी। आईब्रोज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ एंड माय आईब्रोज़ इज़ डन। अब हम आई शेडो के लिए ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर मैं सिंपली थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप देख ही सकते हो कि मैं एक स्ट्रोक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा मर्ज नहीं कर रही उसको स्ट्रोक बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा अपलिफ्टेड दिखे मेरा फेस। तो वैसे हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट सा ही करना है। एंड डन। अब क्या हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपसे गोल्डन कलर लेकर उंगली की मदद से ही उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ नीचे कट्स पर, एंड अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जो एजेस है ना वो शार्प हार्श ना दिखे। एंड सी जैसा बहुत ही इजी है। अब इसको थोड़ा सा इंडियन सा टच देने के लिए मैंने यहाँ पर काजल को थोड़ा सा ब्लेंड किया है लाइक आईलाइनर, बट काजल की तरह ही लग रहा है, मतलब इससे अच्छा दिखता है। अब कॉन्टोरिंग करने की बारी आई है। कॉन्टोरिंग नोज़ पे अच्छे से कर लीजिए एंड चीक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, कॉन्टोर कर लीजिए। यहाँ पर ब्लश लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पिंकिश ग्लो आता है ना तो अच्छा दिखता है। थोड़ा सा पिंक पिंक आपके ब्रदर को भी अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा लिया। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक जो कि बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर बिंदी लगाया, आप चाहे तो बिंदी लगा सकते हो, थोड़ा इंडियन सा टच आता है, अच्छा लगता है। मैंने झुमके पहने हैं, आपके आउटफिट के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो पहन लीजिए। सलवार से रिलेटेड जितने भी हेयर स्टाइल्स मुझे अच्छे लगते हैं वो सब मैंने दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आएगा वो आप कैरी कर सकते हो। अब आउटफिट्स की बात करें तो रक्षाबंधन एक इंडियन ट्रेडिशनल त्योहार है, फेस्टिवल है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इंडियन सा लुक आए एंड फॉर दैट लड़कियों के लिए बेस्ट है सलवार। अब भाई लोग भी चाहते होंगे कि सलवार पहन के ही आए रक्षाबंधन में, एंड लड़कों के लिए थोड़ा सा शेरवानी वगैरह अच्छा लगेगा। सलवार में भी थोड़ा फंकी लुक ऐड कर सकते हो, ऐसा धोती पैटर्न भी आप कैरी कर सकते हो, ये भी अच्छा लगता है। प्लस आप ऐसे पॉपअप होने वाले कलर्स का भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको जीन्स पहनना है तो इस टाइप में आप सलवार कैरी कर लो, ये भी अच्छा लगेगा। कि मैं ऐसे जो पम-पम बॉल्स वाले कुर्ती या फिर दुपट्टे होते हैं ना वो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये अगर आप पहनते हो ना तो राखी का मज़ा दुगना हो जाता है। बॉयज़ जो है वो फ्लोरल प्रिंट वाले जो कुर्तीज़ आते हैं वो कैरी कर सकते हैं, नीचे आप जीन्स भी कैरी कर सकते हो, या फिर ऐसा डेनिम का कुर्ती भी थोड़ा हॉट लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने सोचा एंड मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि जो जो चीज़ें मुझे एसेंशियल लगी हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। एंड आप चाहे तो आप अपने कजिन्स, सिस्टर, ब्रदर, हर एक लोग के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। सो या एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।